हेलो बच्चों गुड इवनिंग एवरीबॉडी गुड इवनिंग वेलकम टू द सेशन गुड इवनिंग बच्चों बेटा एम आई ऑडिबल एंड विजिबल जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में ऑडिबल हूँ कैन यू हियर मी विजिबल हूँ और क्या आ गए हो हाय बच्चों हेलो एवरीबॉडी हेलो किड्स कौन कौन आ चुका है हाय श्रेया वंशिका उज्जवल मानसी विकास सदाब मानसी रचित विंकल नम्रता ग्रेट गाइज ग्रेट वेरी ग्रेट ओके सो पीपल है बिफोर आई स्टार्ट मैं बता देती हूँ कि आज का लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर में हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं हम पुराना रिविजन कर लेंगे पाँच मिनट में देन हम मोनोहाइब्रिड पढ़ चुके हैं इसके जो इंटरेक्शंस होते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस कम्प्लीट डोमिनेंस मल्टीपल एलिज्म प्लीओट्रॉपी वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल ऑफ दिस थिंग्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा ही होगा सो किड्स वेलकम टू आर चैनल एन अकेडमी सेपियन लास्ट लैप एनसीआरटी रिविजन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पार्ट थ्री ठीक है हम दो पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं कोई बच्चा है जो पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा है तो प्लीज़ है ना प्ले में जाके देख लो ओके सो विट आई एम डॉक्टर प्रणाली मिश्रा नीट यू जी बायोलॉजी एजुकेटर एंड आई हैव फाइव प्लस ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई हैव टॉट मोर देन सिक्सटी थाउजेंड स्टूडेंट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सो आओ बच्चों लेट्स क्रैक इट और ये अपना रेफरल कोड है है ना अगर आप अन अकेडमी पर अकाउंट बनाते हैं तो इट विल आस्क यू अ कोड जिससे आप फ्री में सारी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं दैट कोज कोड इज़ डॉक्टर प्रणाली मिश्रा आप कोई बैच ज्वाइन करते हैं और अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो यू गेट टेन परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट राइट और अगर आप अन अकेडमी डाउनलोड करते हैं तो इसके क्या क्या बेटा बेनिफिट्स हैं ना अच्छे से घर पर बैठे बैठे क्लास अटेंड कर सकते हैं लॉकडाउन में अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल दर्सेस टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं बैच कोर्सेस है गाइडेंस है पी डी एफ्स मिलते हैं लाइव टेस्ट होती हैं बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप सब्सक्रिप्शन लेके एक बैच जॉइन कर सकते हैं ताकि आपकी सिस्टमेटिक स्टडी हो और अगर आप साथ में चाहते हैं कि आपको कोई पर्सनल कोच या मेंटर भी मिले देन आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे ठीक है और ये बेटा अपने कोर्सेज हैं अभी एक स्पेशल ऑफ़र है कि आप ट्वेल्व मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तीन मंथ का सब्सक्रिप्शन यू गेट फ्री ऑफ कॉस्ट और ट्वेंटी फोर का लेते हो तो चार मंथ का एंड कोड यूज़ करोगे एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऑफ भी मिलेगा एंड यू नो दी कोड नाउ द कोड इज डॉक्टर प्रणाली मिश्रा आ गए सभी बच्चे कल का रिवाइज करके आए हो क्या स्मूथ सेलिंग के लिए दिस इज दी बैच बेटा एक और बैच है फिफ्थ में से शुरू हुई है ठीक है रेफरल कोड यू you नो know. क्या करोगे अनकेडमी ऐप डाउनलोड करोगे मैनेज गोल पे जाके नीट यू जी गेट सब्सक्रिप्शन ट्वेल्व मंथ प्रोसीड टू पेमेंट ठीक है तो अपन क्या स्टार्ट करते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन गुड इवनिंग निकिता पूजा वैष्णवी सचिन विनिता डीएनए गेमिंग शांतनु सोनाली कशेश आशीष शशिकांत रश्मि अतफ अनुज सभी बच्चे आ गए वेरी गुड चलो तो अपना कौन सा चैप्टर चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन अब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी लास्ट दो दिनों में जो भी पढ़ा है और एक्टिवली आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर वन इज हु इज द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स ह्यूमन जेनेटिक्स के पिताजी कौन है ये बेटा अपना एन सी आर टी है एक बार स्लाइड रिवाइज करवाते चले जाऊंगी मैं ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो किसी चीज़ का जेनेटिक्स क्या होता है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होती है जिसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं एक होता है इनहेरिटेंस और एक होता है बेटा वेरिएशन ठीक है तो जो इनहेरिटेंस है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या कैरेक्टर आए यही हेरिडिटी का बेसिस होता है ये मैं बेटा कल की क्लास में पढ़ा चुकी हूँ ठीक है और अभी मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ है ना अपन मोनोहाइब्रिड के आगे से नया पढ़ाना शुरू करूँगी बेटा फादर ऑफ़ ह्यूमन जेनेटिक्स है गैरड गलत बता रहे बच्चे कमेंट बॉक्स में फादर ऑफ जेनेटिक्स है मैंडल और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है ये कौन बताएगा फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है ये कौन बताएगा वेरिएशन मतलब पापा और बच्चे में क्या डिफरेंस है बेसिस ऑफ हेरिडिटी होता है इनहेरिटेंस यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है जीन्स मेंडल कभी जीन्स को नहीं देख पाए तो वो जीन्स को फैक्टर बोलते थे कि कोई डिस्क्रीट यूनिट है जो बच्चे से पापा में आती है जो पापा से बच्चे में आती है तो बच्चा पापा जैसा दिखता है ठीक है साहिवाल काउज हुई थी कहाँ पे आर्टिफिशियल सिलेक्शन से बनाई गई थी एनसेस्ट्रल साहिवाल देखो यहाँ पे मैंने दिया है जेनेटिक्स के पापा है मैंडल मॉडर्न जेनेटिक्स के हैं बेट्सन एक्सपेरिमेंटल और गैरड है ह्यूमन जेनेटिक्स के प्लीज है ना गलत बताए जो बच्चे प्लीज रिवाइज करो और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम सेवन पी एम. अब क्या होता है एक किसी भी चीज का कैरेक्टर होता है फॉर एग्जाम्पल क्या कैरेक्टर है ठीक है पॉड शेप एक कैरेक्टर है और इसके दो ट्रेट्स होते हैं या तो पॉड क्या होगी डोमिनेंट इन्फ्लेटेड होगी या तो पॉड कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी तो जब कि जो जीन होगा वो पॉड शेप का होगा और इस जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं है ना क्या अल्टरनेटिव की पॉड शेप का तो जीन है पर इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे कि पॉड इनफ्लेटेड है कि कॉन्स्ट्रिक्टेड है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा इसको हम बोलेंगे अलील और ये कहा लोकेटेड होते हैं सेम पोजिशन ऑन होमोलोग क्रोमोजोम एग्जाम में आता है कि टू अलील ऑफ द जीन कहा लोकेटेड है ठीक है अगर सेम सेम है दोनों कैपिटल टी है या दोनों स्मॉल टी है तो होमोजाइगस एक कैपिटल है एक स्मॉल है तो हेट्रोजाइगस ठीक है क्या होता है जब कोई पेयर के जगह सिर्फ उसका एक ही प्रेजेंट हो है ना जैसे ओनली वन पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट होगा तो उसको हेमीजाइगस बोलेंगे ये वाली लाइन एग्जाम में आती है कि मेल इंडिविजुअल इज होमो हेमीजाइगस टू सेक्स लिंकड जीन्स ठीक है तुम्हारा नेट स्लो चल रहा है बेटा रिंकी इसीलिए ठीक है अब मुझे ये बता दो कि ब्रीडिंग डिप्रेशन किसके वजह से आता है ब्रीडिंग डिप्रेशन होमोजाइगोसिटी के वजह से आता है कि हाइट्रोजाइगोसिटी के वजह से आता है मेंडल ने सात साल एक्सपेरिमेंट करा सात कैरेक्टर्स को लिया है ना या फिर सेवन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को लिया ठीक है ये सब मैं आप लोगों को कल की क्लासेस में बता चुकी हूँ है ना मैंने बोला था मेंडल ऐसे एक ही पापा हैं जो डेथ के सोलह साल बाद पापा बने 1900 में उनका वर्क किसने डिस्कवर किया था कॉरेन व्रीज शेनमार्क ठीक है और क्या क्या बताया था बेटा मेंडल सक्सेस क्यों हुए क्योंकि एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर लिया पी प्लांट लिया जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन पढ़ पाए सैम्पलिंग ज़्यादा की स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स थे अब मुझे कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में बताएगा कि जो सीड का कलर है वो डोमिनेंट कौन सा है बेटा हम ये पढ़ चुके हैं वी आर जस्ट रिवाइजिंग सीड का डोमिनेंट कलर कौन सा है बताओ जल्दी से ठीक है चार क्रोमोजोम पे लोकेटेड है वन फोर फाइव सेवन है ना ई e मैस्कुलेशन और बैगिंग क्या होता है तो ई e मैस्कुलेशन क्या होता है कि जो पी प्लांट है वो क्या है बेटा बायसेक्शुअल है मतलब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन जब मेल फीमेल दोनों है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा हम नहीं चाहते सेल्फ पॉलिनेशन हो क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन करवाना है प्लांट में जब हाइब्रिडाइजेशन करवाना है तो हम डिसाइड करेंगे कि पापा कौन है और मम्मी कौन है ये वाला सिंबल मम्मी का है क्योंकि फीमेल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव ये वाला सिम्बल मेल का है स्पर्म जैसा दिख रहा है ना ठीक है तो ई मैस्कुलेशन मतलब क्या होता है कि बाय सेक्शुअल पी प्लांट से उसके एंथर को कट कर दो और रिमूव कर दो है ना इसको ई मैस्कुलेशन बोलते हैं इससे सेल्फ पॉलीनेशन नहीं होता फिर क्या करते हैं उस ई मैस्क्युलेटेड फ्लावर के ऊपर पॉलिथिन या पेपर से बैगिंग कर देते हैं ताकि अनडिज़ायरेबल डिज़ायरेबल ग्रेन उड़ के हमारे प्लांट के ऊपर आके पॉलिनेशन ना कर दे अनडिज़ायरेबल क्रॉस पॉलीनेशन क्योंकि हम जिससे चाहते हैं हम क्या बोल रहे हैं हमारी लड़की शादी उसी से करेगी जिस लड़के को हम चाहते हैं वो वाली बात होगी बेटा ठीक है फिर उसके बाद ये डायग्राम है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जब एक बस बेटा सुनो यहाँ से ध्यान से सुन लो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्योंकि आज मैं तीन चीजें तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ और तीनों चीजें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है तो कल कोई नहीं आया है ठीक है उसको अगर आज ये अटेंड कर लेगा ना तो पूरी क्लास समझ में आ जाएगी मोनोहाइब्रिड के कंसेप्ट देख लोगे तो जब हम एक पर्टिकुलर ध्यान से सुनो मैम क्या बता रही है जल्दी से मोनो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मतलब जब हम एक कैरेक्टर को एक क्रॉस में पढ़ते हैं वन कैरेक्टर उस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं उस क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं वेन वन कैरेक्टर इज स्टडीड एट अ टाइम तो मैंडल ने क्या करा मैंडल ने क्या करा एक मेल प्लांट लिया और एक फीमेल प्लांट लिया ठीक है उन्होंने कौन सा कैरेक्टर कंसिडर किया हाइट का कंसिडर हाइट का कैरेक्टर कंसिडर किया उन्होंने जो पापा लिए वो टॉल लिए तो जो टॉल लिए मतलब कैपिटल कैपिटल टी लिए मतलब होमोजाइगस लिए क्योंकि दोनों कैपिटल टी है फीमेल क्या ली स्मॉल टी स्मॉल टी ली डॉआार्फ ली पर ये भी होमोजाइगस है है ना रेसिसिव कैरेक्टर तो होमोजाइगस फॉर्म में ही एक्सप्रेस हो पाता है तुम्हें पता है कि नहीं पता है हेट्रोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है क्या देखो किसी को भी नहीं आए मुझसे पूछो आज अपन को तीन कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है ठीक है फिर मेल ये तो डिप्लॉयड है दो है ना अलील एक अलील ये एक अलील है पर गैमीट में तो एक ही अलील जाता है तो ये भी कैपिटल टी ये भी कैपिटल टी मतलब गैमीट तो कैपिटल टी ही बनेगा तो ये हो गए पेरेंट्स ये हो गए गैमीट इससे कौन सा गैमीट आएगा बेटा स्मॉल टी आएगा तो ये गैमिट होगा ये गैमीट हो गए इनका हमने क्रॉस करवा दिया क्रॉस करवा दिया तो पहली जनरेशन जो ऑप्टेन होती है उसको एफ वन जनरेशन बोलते हैं फिलियल प्रोजैनी बोलते हैं तो पहली जनरेशन कैसी आई कैपिटल टी स्मॉल टी आई तो पहली जनरेशन के बारे में मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एफ वन जनरेशन आती है इट रिजेंबल्स इस लाइन को प्लीज ध्यान से सुनो अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस इसी पे बेस्ड है मेंडल ने क्या बोला कि जो एफ वन प्रोजेनी आती है ये क्या आती है एक तो हेट्रोजाइगस आती है एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है दूसरी बात मेंडल ने क्या बोला कि जो एफ वन आती है इट रिजेंबल्स वन ऑफ द पेरेंट मतलब किसी एक पेरेंट जैसी दिखती है ना तो ये जो आया हेट्रोजाइगस ये है टॉल तो एक इसका पेरेंट टॉल था इसीलिए ये टॉल है मतलब पेरेंट्स के थ्रू गैमीट से एफ वन जनरेशन में कुछ ऐसी चीज़ आती है जिसके वजह से बच्चा पापा जैसा दिखता है ये एफ वन जनरेशन आ गई अब एफ वन जनरेशन को क्या करते हैं हम एफ वन जनरेशन में सेल्फिंग करवाते हैं बात तो वही हो गई बेटा भाई बहनों में इन्होंने क्रॉस करवा दिया इससे चार प्लांट आए और इनमें सेल्फिंग करवा दी तो सेल्फिंग कैसे करवाई तो एक गैमिट ये हो गया एक क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि बच्चे में क्या क्या हो सकता है एक ये हो गया एक ये हो गया तो ये पापा के गेमिट हो गए ये मम्मी के गैमिट हो गए मैम ने कल तुम्हें पुनेट स्क्वायर बनाना सिखाया था ना याद है कि नहीं याद है ठीक है तो ये पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो हम कॉम्बिनेशन कैसे लेंगे ये आज इसलिए रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि पूरा आज का लेक्चर इसी पे बेस्ड है तो ये कैपिटल टी कैपिटल टी मतलब ये ऑफस्प्रिंग में जीन्स के आएंगे कैपिटल टी कैपिटल टी ठीक है फिर ये वाला ऑफस्प्रिंग स्प्रिंग में जीन्स के आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें क्या आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और इसमें आएंगे स्मॉल टी स्मॉल टी तो अगर हमने ये क्रॉस देखा तो ये हमारी एफ जनरेशन में चार प्लांट आ गए और ये इनका जीनो था अब यहाँ से जब एफ टू जनरेशन आई तो मैंडल ने बेटा क्या कंक्लूजन बताया मैंडल ने कंक्लूजन ये बताया कि अगर मैं इसका फिनोटाइप देखूँ फिनोटाइप मतलब पता है मोरफोलॉजी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है तो मैंडल ने बोला कि जब मैं फिनोटाइप देखता हूँ मतलब दूर से किसी पी प्लांट को देखता हूँ तो जो दिखता है वो फिनोटाइप है जब वो ऐसे प्लांट को देखेगा कैपिटल टी कैपिटल टी मतलब ये तो क्या होगा टॉल होगा कैपिटल टी स्मॉल टी को देखेगा तो कैपिटल टी डोमिनेंट है कैपिटल टी के होते हुए स्मॉल टी दबके रहेगा कैपिटल टी है मतलब वो अपने एंजाइम बनाएगा और प्लांट को टॉल करेगा तो हल्ट्रोजाइगस कंडीशन में भी प्लांट क्या रहेगा टॉल और स्मॉल टी स्मॉल टी में मतलब दोनों ही रेसेसिव है तो बेटा दोनों ही ड्वार्फ है तो ये बनाएगा ड्वार्फ जो भी बच्चे ने बेटा फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो बताया वेरी गुड एक्सीलेंट तो जब इसने देखा चार बच्चों को देखा तो तीन क्या हो गए टॉल हो गए और एक ड्वार्फ हो गया तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया थ्री टू वन हो गया अब बच्चे याद तो कर लेते थ्री टू वन पर ये भी तो देखो कि तीन टॉल है और एक ड्वार्फ है है ना इसका मतलब क्या होगा कि जो एफ टू जनरेशन आई ठीक है उसमें मेजॉरिटी थ्री फोर्थ ऑफ द बच्चे जो प्रोड्यूस हुए वो डोमिनेंट पेरेंट की तरह दिखते हैं पर क्या इसका मतलब ये है कि रेसेसिव पेरेंट की तरह एक भी नहीं दिखेगा बिल्कुल नहीं एक बच्चा रेसिसिव पेरेंट की तरह भी दिखेगा फिर एक और कंक्लूजन लिया जीनोटाइप तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ उन्होंने देखा कि कैपिटल टी कैपिटल टी जीन जीनोटाइप मतलब जीन देखे तो कैपिटल टी कैपिटल टी वाला तो एक ही था प्लांट फिर दो प्लांट ऐसे थे ये रहा और ये रहा कि कैपिटल टी स्मॉल टी था और एक प्लांट ऐसा था जिसमें स्मॉल टी स्मॉल टी था तो उन्होंने जीनो टिपिक रेशियो देखा तो दैट इज वन इस तो टू टू इज टू वन पर तुम्हें ये याद रखना है कि ये एक है और ये भी एक है और हेट्रोजाइगस वाले दो है तो अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं बेटा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ है ना कि इन दी एफ टू जनरेशन इन दी एफ टू जनरेशन ऑफ दी मोनो हाइब्रिड क्रॉस हाउ मैनी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स आर ऑपटेड जो बच्चा ये आंसर बता देगा मैं समझ जाऊंगी कि उसको मेरी बात समझ आ गई है आई रिपीट द क्वेश्चन इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हाउ मैनी इंडिविजुअल्स या फिर हाउ मैनी प्लांट ऑपटेन्ड आर हेट्रोजाइगस बताओ कितने हेट्रोजाइगस ऑप्टेन हुए तो ये अपना एफ वन जन ये अपना ये कंप्लीट हो गया बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हो गया ठीक है तो इससे क्या कंक्लूजन निकला फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखा मैंडल ने और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देख के मेंडल भैया ने दो लॉज दिए है ना तो मोनोहाइब्रिड को देख के कौन से दो लॉ दिए एक दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ठीक है ये ये दो लॉ किसको देख के दिए बेटा इन्होंने ये दो लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देख के दिए डाईब्रिड देख को देख के क्या दिया था उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट दिया था ये एग्जाम में आता है कीप योर कंसेप्ट वेरी क्लियर तो बेटा उसका आंसर है टू जैसे वन इज टू इज टू वन क्या है मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो है सही लिख रही हूं मैं है ना देखो तो ये होमोजाइगस है क्योंकि दोनों कैपिटल टी है ये होमोजाइगस है क्योंकि दोनों स्मॉल टी है पर ये हेट्रोजाइगस है ना एक कैपिटल एक स्मॉल तो मतलब चार में से दो है। मतलब हाफ जो F2 जनरेशन में होते हैं 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 मतलब जो में होते 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 वो क्या ठीक है होते हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ हाँ तो मोनोहाइब्रिड को देख के दो लॉ दिए लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है लॉ ऑफ ये बताता है कि जब भी ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होता है कि कैपिटल टी है स्मॉल टी है मतलब एक अलील डोमिनेंट है और एक अलील रेसेसिव है तो जो डोमिनेंट अलील होगा है ना वो डोमिनेंट है मतलब रेसेसिव को दबा देगा है ना जो तुम में से कोई नेता होगा भारी भर आदमी होगा वो छोटे को दबा देगा है ना तो ये इसको दबा देगा मतलब ये इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि इन अ हैट्रोजाइगस कंडीशन वेन बोथ दर प्रेजेंट दैट इज डोमिनट एंड रेसेसिव तो जो डोमिनट वाला है वो रेसेसिव को दबा देगा और खुद को एक्सप्रेस करेगा मतलब डोमिनंट के होते हुए रेसेसिव कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ठीक है क्योंकि डोमिनेंट ऐसे एंजाइम्स बनाता है जो एक्सप्रेस हो जाते हैं और को एंजाइम नहीं बनाने देता देखो अगर मैंने बोला था कि बच्चे जेनेटिक्स पढ़ते तो हैं पर कभी भी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मोलिकुलर बेसिस को कनेक्ट नहीं कर पाते तो मैं तुम्हें करेक्ट कनेक्ट करना सिखाती हूँ कि बेटा क्या ऐसा होता है कि जीन के वजह से फिनोटाइप हो जाता है मतलब इन्फ्लुएंस कि तुम्हारे में टॉलनेस का जीन है तो तुम टॉल कैसे हो गए तो जीन है मतलब DNA है है ना तो ये डीएनए आरएनए बनाता है अपन ने बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था और ये आरएनए एन बनाते हैं और प्रोटीन होते हैं एंजाइम और ये क्या करते हैं कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पर अगर कैपिटल टी का अलील है तो ये ऐसे एंजाइम्स बनाएगा जिससे प्लांट क्या हो जाएगा टॉल हो जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस सबको समझ आया क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस आया मेरे बच्चों को समझ प्यार से तो चलो आओ अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़े लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि अगर कोई प्लांट है फॉर एग्जाम्पल ये तो प्लांट तो डिप्लॉयड है मतलब उसके अंदर अभी दो अलील होंगे एक कैरेक्टर के कैपिटल टी भी होगा स्मॉल टी भी होगा एग्जाम्पल दे रही तो ये प्लांट है अब इससे क्या बनेंगे गेमीट बनेंगे तो जब गैमीट बनेंगे तो इसमें से एक गेमीट में एक ही अलील आएगा ना गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉइड तो एक गेमीट में एक अलील आएगा तो एक गैमीट बनेगा कैपिटल टी का और एक गैमीट बनेगा स्मॉल टी का तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म गेमीट फॉर्म करता है जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बच्चों गैमीट फॉर्म करता है तो उसमें जो अलील होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं और एक गैमीट में एक ही अलील आता है फॉर एग्जाम्पल तुम इसको देखो कि कैपिटल कैपिटल टी है पापा तो ये गैमीट क्या बनाएंगे ये अगर ये वाला अलील आया तो भी गैमीट में कैपिटल टी है ये वाला अलील आया तो भी गैमीट में कैपिटल टी है ठीक है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि जब भी गैमीट बनते हैं तो अलील्स क्या होते हैं सेग्रीगेट होके एक गेमीट में एक अलील आता है ये मैंने तुम्हें बता दिया वेरी गुड है ना यहाँ तक क्लियर है तो इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस गैमेट कैसे बनते हैं मियोसिस से क्योंकि एनिमल या प्लांट होगा 2n इसमें मियोसिस होगा मतलब रिडक्शन डिवीजन होगा तो 2n एन से n एन। तो गैमेट आर ऑलवेज हैप्लोइड गैमेट हमेशा हैप्लोइड होते हैं बेटा ये पता है सब में लिखा है गीता में लिखा है कुरान में लिखा है कि गैमेट हमेशा हैप्लोइड होंगे ठीक है तो जो अलील्स होते हैं पेरेंटल पेयर के ये सेपरेट होते हैं सेग्रीगेट होते हैं और हर गेमीट में अपने हिसाब से जाते हैं तो अगर ऐसा इंडिविजुअल है तो 50 इसके जो gamete होंगे 50% परसेंट में कैपिटल टी आएगा 50% परसेंट में स्मॉल टी आएगा समझ आया बच्चों ठीक है ये भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है पुनेट स्क्वायर किसने दिया था रेगनाल्ड सी पुनेट ने दिया था इससे हम क्या करते हैं इससे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि क्या क्या पॉसिबल जीनोटाइप होते हैं इसको अंडरलाइन करो क्या क्या पॉसिबल जीनोटाइप होते हैं ऑफ के ठीक है अब देखो मैं आगे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ अब वो बातें सुनना शुरू करो मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कल भी पढ़ाया था पर आज इसने पढ़ाया ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए ताकि तुम कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्यार मोहब्बत से समझ लो कुछ भी तुम्हें कन्फ्यूजन ना रहे ठीक है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो इसको बेटा हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इस बायोनोमियल एक्सप्रेशन से ठीक है हाँ तो सबसे पहले अब क्या पढ़ेंगे ये भी मैंने तुम्हें बता दिया है एक और चीज मुझे तुम्हें बतानी रह गई है कि क्या बतानी रह गई है बेटा तुम भूल गए हो शायद ये बताना रह गया है कि ये क्या होता है टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस रेसिप्रोकल क्रॉस है ना ये मेरे को बताना है ये भी मैं बता देती हूँ ठीक है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का सच देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या एक्सेप्शन रहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन रहते हैं जिनको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे एक रहता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक रहता है को डोमिनेंस दीज आर दी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एस सच को ही एक्सेप्शन नहीं रहता है लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो अगर नॉन डिस्चंक्शन हो जाता है ना मतलब जब मियोटिक डिवीजन चल रहा है उसमें नॉन डिसजंक्शन हो जाता है तो वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन हो जाता है बेटा ये हम कर लिए है ना ये सब समझा दिया तुम्हें फिर मैंने फॉर्मूले बताए थे तो एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ इफ द नंबर ऑफ ये कल पढ़ाया था इफ द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर इज थ्री इफ द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर और इफ द नंबर ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर इज थ्री देन हाउ मैनी गिट व बी प्रोड्यूज कितने गमीट प्रोड्यूज होंगे कमेंट बॉक्स में लिखो डाई हाइब्रिड क्रॉस हम अभी नहीं पढ़ेंगे पहले दूसरी चीज पढ़ेंगे है ना सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक क्रॉस बैक क्रॉस क्या होता है ठीक है ये एग्ज़ाम में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं ठीक है क्यों क्यों कन्फ्यूज होते हैं बैक क्रॉस क्या होता है एग्जाम में आता है तुमने देखा है पेरेंट जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा कि एक पेरेंट ये है एक पेरेंट ये है इनकी जो एफ वन जनरेशन आती है वो ये है ये पेरेंट हो गया बेटा कुछ भी समझ नहीं आए तो तुरंत पूछ लेना ये एफ जनरेशन हो गया तो बैक क्रॉस क्या होता है कि जिसमें एफ जनरेशन को किसी भी पेरेंट के साथ उल्टा क्रॉस कर दिया है ना तो अगर इसको कैपिटल टी स्मॉल टी को या तो मैंने इसके साथ कर दिया या कैपिटल टी स्मॉल टी को मैंने इसके साथ कर दिया किसी भी एक पेरेंट के साथ कर दिया तो बैक बैक क्रॉस इसको क्यों बोला क्योंकि जनरेशन से उल्टा गए और पेरेंट के साथ क्रॉस किया ठीक है तो बैक क्रॉस क्या होगा एफ वन जनरेशन को पेरेंट के एक भी पेरेंट किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कर दिया तो बेटा टू टू दी पावर एन होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ गेमिट निकालने का इज नंबर ऑफ हाइब्रिड पुराने क्वेश्चन का आंसर बता रही हो टू 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 दी पावर थ्री मतलब, two into two into two, मतलब तो नंबर ऑफ जब कितने रहते हैं तीन रहते हैं तो वो होंगे आठ ठीक है तो बैक क्रॉस समझ में आया अब ये जो बैक क्रॉस होता है ये दो टाइप का होता है बैक क्रॉस मतलब एफ वन जनरेशन को किसके साथ करा पेरेंट के साथ अब ये जो बैक क्रॉस होता है इस एक होता है आउट क्रॉस ठीक है और दूसरा होता है टेस्ट क्रॉस ठीक है तो बैक क्रॉस में क्या होता है जब एफ वन तो एफ वन क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी जब एफ वन इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद द डोमिनेंट पेरेंट अगर एफ वन को डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करूंगी तो इसको क्या बोलेंगे आउट क्रॉस बोलेंगे ठीक है लेकिन अगर F1 वन को रेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करूंगी तो उसको क्या बोलेंगे टेस्ट क्रॉस बोलेंगे यहाँ तक सबको समझ में आया क्या जयश्री क्या हुआ बच्चा बैक क्रॉस रिपीट करूं मैं ऐसा बोल रही हूँ बैक क्रॉस मतलब क्या होता है कि जो F1 वन जनरेशन में ऑप्टेन होता है ये F1 वन जनरेशन है कैपिटल टी स्मॉल टी इसको किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कर दो या तो इसके साथ कर दो या इसको कर दो तो बैक क्रॉस अगर हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं तो इसे आउट क्रॉस बोलते हैं और अगर इसको रेसिस पेरेंट के साथ करते हैं तो इसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं ये तो तुमने समझ लिया पर हमें हमेशा करके भी देखना चाहिए चीजों को तो अगर हम इस चीज को करके देखेंगे जैसे मैंने आउट क्रॉस किया आउट क्रॉस करूं मैं तो देखो मैं तुम्हें करके बताती हूं ताकि तुम्हें समझ आए पर इसको एक ही बार में समझो है ना अब इसको अपन करके देखेंगे कैसे करके देखेंगे सुनो अगर हमने अब क्रॉस में क्या करते हैं कि ये हेट्रोजाइगस पेरेंट है और ये डोमिनेंट हेट्रोजाइगस एफ वन जनरेशन और ये डोमिनेंट पेरेंट ठीक है अब इसको हमने क्रॉस किया तो इससे क्या होगा कैपिटल टी कैपिटल टी इससे क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी इससे क्या होगा कैपिटल टी कैपिटल टी इससे क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी ठीक है तो ये भी टॉल आएगा अब तुम तो फिनोटाइप देखो ना ये भी टॉल आया ये भी टॉल आया ये भी टॉल आया ये भी टॉल आया इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम आउटक्रॉस करते हैं मतलब जब हम एफ वन जनरेशन को डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं तो जो भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं उन सभी सभी में all have dominant character, सभी में ऑल हैव डोमिनेंट डोमिनेंट कैरेक्टर कैरेक्टर है और डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे क्या है टॉलनेस है ठीक है तो मतलब क्या है ये सभी डोमिनेंट हो गए पर अब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं जिसमें हम एफ वन जनरेशन को रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं तो इसमें क्या होगा ये रही एफ वन जनरेशन और ये रहा पेरेंट तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी ये हमने टेस्ट क्रॉस करा कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसे समझ ही नहीं आ रहा कि मैडम ये टेस्ट क्रॉस कैसे किया टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं बच्चों F1 वन जनरेशन के पेरेंट को रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं तो यहां हमने फिनोटाइप देखा तो दो टॉल हो गए और दो ड्वार्फ होगा ये दोनों टॉल ये दोनों ड्वार्फ तो टू इज टू टू मतलब वन इज टू वन मतलब आधे टॉल ऑप्टेन हुए आधे ड्वार्फ ऑप्टेन हुए इसीलिए टेस्ट क्रॉस का रेशो क्या आता है टेस्ट क्रॉस का रेशो आता है वन इज टू वन बेटा कोई भी बच्चा बहुत प्यार से इस चैप्टर को पढ़ रहा है तो एक पेपर लेके बैठो और यहाँ पे वो लिखना शुरू करो क्रॉस लिखना शुरू करो मतलब क्या क्या अपने रेशो है हमने अभी तक तीन रेशो पढ़ लिए हमने एक रेशो क्या पढ़ा हमने एक रेशो पढ़ा फिनोटिपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस दूसरा रेशो पढ़ा जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस और हमने अभी पढ़ लिया कि टेस्ट क्रॉस का क्या रेशो है तो टेस्ट क्रॉस में आधे इंडिविजुअल रिप्रेजेंट डोमिनेंट पेरेंट आधे इंडिविजुअल रिप्रेजेंट देयर रेसेसिव पेरेंट ठीक है तो यहाँ पे टेस्ट क्रॉस एनसीईआरटी ने बना के दिखाया है ये बच्चे यूजुअली नहीं समझ पाते बेटा एक्चुअल में तुम्हें पता है कि टेस्ट क्रॉस क्यों यूज होता है टेस्ट क्रॉस इसलिए भी यूज होता है कि इससे क्या पता चलता है हमें कभी तुम्हें तुम्हें एफ वन जनरेशन पता हो पर तुम्हें पेरेंट के कैरेक्टर निकालने हैं तो तुम क्या करोगे एफ वन जन ये यूज कर सकते हो देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ प्रोजेनी देखो मैंने बताया ना मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जो रेशो आएगा वो क्या आएगा वन इस टू वन आएगा है ना अभी करके बता दिया है मैंने यहाँ पे चलो अब एनसीआर क्या बोलती है एनसीआर क्या बोलती है कि टेस्ट क्रॉस करो है ना तो एक्चुअल में कैसे करना है तो इसमें एग्जाम्पल बताया है कि जैसे अगर ये डोमिनेंट पेरेंट है ठीक मतलब है, है मतलब वायलेट है ये हमारा रेसेसिव पेरेंट है मतलब वाइट है वायलेट है और ये क्या है वाइट है तो हम क्या करते हैं तो इनकी एफ वन जनरेशन कैसे आएगी एक कैपिटल डब्ल्यू एक स्मॉल डब्ल्यू एफ वन जनरेशन कैसी आएगी वायलेट आएगी फिर इन्होंने बोला इसका टेस्ट क्रॉस करो तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जो एफ वन जनरेशन होती है उसका क्रॉस किससे होता है रेसेसिव पेरेंट से होता है तो चलो क्रॉस करते हैं कर दिया बेटा समझ आया कि नहीं आया तो इसमें जब हमने क्रॉस करा तो हमें समझ में आया कि 50 परसेंट जो टेस्ट क्रॉस के बाद ऑप्टेन हुए वो वायलेट हुए और 50 परसेंट क्या ऑप्टेन हुए ये वाले वाइट ऑप्टेन हुए है ना तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो टेस्ट क्रॉस होता है ये चीज़ों को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है जीनोटाइप डिटरमाइन एग्जाम में आता है कि टेस्ट क्रॉस अच्छा है कि आउट क्रॉस अच्छा है तो तुम बोलना कि टेस्ट क्रॉस अच्छा है वो बोलेंगे क्यों टेस्ट क्रॉस क्यों अच्छा है तो बोलना कि जब हम आउट क्रॉस करते हैं तो उसमें जो सारे ऑफ होते हैं वो डोमिनेंट पेरेंट को रिजेंबल करते हैं पर जब हम क्या करते हैं जब हम बैक क्रॉस जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो आधे पेरेंट किसको रिजेंबल करते हैं अपने डोमिनेंट को और आधे को तो इससे हमें जीनो पता करने में बड़ा मजा आता है इससे हम क्या कर पाते हैं जीनो पता कर पाते हैं देखो यहाँ पे इन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया है देखो यहाँ पे इन्होंने करके बताया क्रॉस जो मैंने तुम्हें समझाया अभी ठीक है तो कंक्लूजन क्या है कि इन टेस्ट क्रॉस टेस्ट क्रॉस में क्या होता है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशो आर सेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो ना ये वाला टेस्ट क्रॉस को देखो इसमें अगर हम फिनोटाइप देखें तो आधे टॉल है आधे ड्वार्फ है तो वन इस टू वन इज द फिनोटाइप रेशो और अगर हम देखें तो आधे कैपिटल टी स्मोल्टी है और आधे स्मॉल टी स्म टी है मतलब फिनोटाइप भी वन इज टू वन है तो टेस्ट क्रॉस में क्या पता चला इन द टेस्ट क्रॉस द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशो आर सेम और फिनोटाइप और जीनोटाइप टाइप रेशो होता क्या है वन इस टू वन ठीक है तो यहाँ पे एक चीज तुम जहाँ पे रेशो मैंने सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक पेज पे रेशो लिखो अगर तुम नहीं लिखते हो तो फिर मैं लिख के तुम्हें टेलीग्राम पे सेंड करूंगी ठीक है तो मोनोहाइब्रिड का रेशो देखो तुम है ना मोनोहाइब्रिड में फिनोटिपिक रेशो क्या रहता है थ्री इज टू वन तीन टॉल है एक डॉर्फ है जीनोटिपिक टिपिक रेशो क्या रहता है वन इस टू टू इस टू वन ये कैपिटल टी कैपिटल टी ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये स्मॉल टी स्मॉल टी ठीक है फिर मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस का रेशो क्या रहता है तो इसका फिनोटिपिक रेशो जो रहता है वो भी वन एस टू वन रहता है और जो जीनोटिपिक रेशो रहता है वो भी वन एस टू वन रहता है ठीक है अब अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो तुम्हें उसके भी लिखना पड़ेंगे यहाँ पे उसके भी रेशो लिखोगे ठीक है अब अपन ने बैक क्रॉस पढ़ लिया बैक क्रॉस हमने क्या पढ़ा था कि जब एफ वन जनरेशन को पेरेंट से क्रॉस करते हैं इसको बैक क्रॉस बोलते हैं और ये दो टाइप का होता है एक होता है आउट क्रॉस और एक होता है टेस्ट क्रॉस अब हम पढ़ने वाले हैं रेसी प्रोकल क्रॉस रेसी प्रोकल क्रॉस क्या होता है कि जो दो पेरेंट्स एक्सपेरिमेंट में यूज करें ठीक है तो जो एक्सपेरिमेंट ए में जो यूज़ करा है फीमेल की तरह वो एक्सपेरिमेंट बी में मेल की तरह यूज़ करो जैसे यहाँ पे मैंने कैपिटल टी कैपिटल टी को मेल की तरह यूज़ करा एक्सपेरिमेंट बी में मैं कैपिटल टी कैपिटल टी को फीमेल की तरह यूज कर लूँ मतलब जेंडर को चेंज करवा दो तो दिस इज नोन एज बेटा रेसिप्रोकल क्रॉस तो मैम इससे क्या होता है इसको सबसे पहले रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं तो होता कुछ भी नहीं है तुम्हें बस ये दिख जाएगा कि देखो दोनों के इंडिविजुअल मतलब प्रोजेनी तो सेम है पर कुछ कुछ कैरेक्टर्स जो रहते हैं ना जीन से कंट्रोल्ड है मतलब देखो एक होता है साइटोप्लाज्मिक जीन एक होता है न्यूक्लियर जीन तो जो भी कैरेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय रेसिप्रोकल क्रॉस है ना तो जो भी ऑटोजोम पे अफेक्ट देखो ना देखो मेरी बात सुनो एक होते हैं ऑटोजोम जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं किसी भी स्पीशी में और एक होते हैं सेक्स क्रोमोजोम तो मेल मेल तो मेल तभी है जब उसका सेक्स क्रोमोजोम अलग है और फीमेल का सेक्स क्रोमोजोम अलग है तो रेसिप्रोकल क्रॉस से क्या मतलब है कैपिटल टी कैपिटल टी को स्मॉल टी स्मॉल टी के साथ करो या स्मॉल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी कैपिटल टी के साथ करो क्रॉस तो सेम ही होगा पर ये क्रॉस किसके लिए करते हैं ये क्रॉस उसके लिए करते हैं जहाँ पे जो कैरेक्टर्स जैसे जो न्यूक्लियर जीन से जो ऑटोजोम पे है वो रेसिप्रोकल क्रॉस से अफेक्ट नहीं होंगे लेकिन जो सेक्स लिंक्ड जो जीन्स हैं जो सेक्स लिंक्ड क्रॉसेस है उनका आंसर चेंज हो जाएगा रेसिप्रोकल क्रॉस में समझ आया कि नहीं आया बेटा समझ आया कि नहीं बच्चों को मतलब रेसिप्रोकल क्रॉस क्यों करते हैं रेसिप्रोकेट मतलब चेंज कर देते हैं मेल को फीमेल फीमेल को मेल बना देते हैं तो इसका जब क्रॉस करवाओगे तो जो भी जीन ऑटोसोम पे लोकेटेड है वो चेंज नहीं होंगे पर जो कैरेक्टर सेक्स क्रोमोजोम लोकेटेड है और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे समझ आया बेटा ठीक है अब आज की बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा आज तुम जो भी बच्चे लाइव हो ना आज तुम्हारा बहुत भला होने वाला है मैं तुम्हें खजाना पढ़ाने वाली हूं अभी तक तो पुराना रिवाइज करवाया है नॉर्मल चीजें है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना तुम्हें ऐसा लगेगा बिल्कुल आहा वाली फीलिंग आ जाएगी ये पढ़ के ठीक है तो जो जीन जीन होते हैं अब भी करते हैं अब भी करते दो दोस्त आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे लाइव चैट में कर रहे हैं। तो वैसे ही दो पढ़ा करेंगे? करेंगे। तो है, पता है ना? अभी पहले दिन था, को क्या बोलते, अलील बोलते है। तो जब इन अलील में इंटरक्शन होता है तो उसको अलीलिक इंटरैक्शन बोलते हैं जब ये अलील में इंटरेक्शन नहीं होता तो उसको नॉन अलीलिक इंट्रैक्शन बोलते हैं ठीक है तो जो अलीलिक है उसको बोलेंगे इंट्राजेनिक, ठीक है क्योंकि जीन के ही दो अलील होते हैं और इन अलील में इंट्रैक्शन है तो इंट्राजेनिक जीन के अंदर है इंटर मतलब दो डिफरेंट के बीच में है तो दैट इज नोन एज इंटरजेनिक तो आज की क्लास में मैं आपको अलीलिक इंट्रैक्शन बताने वाली हूँ बच्चों आज की क्लास में मैं क्या बताऊंगी अलीलिक इंट्रैक्शन बताऊंगी प्लीज ध्यान से पढ़ना प्लीज ध्यान से पढ़ना फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी ये मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूँ उसके पहले तुम्हें एक क्वेश्चन फेंक के मारती हूँ मुझे बताओ कि वॉट इज द जीनोटिपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस वॉट इज द जीनोटिपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जो बच्चा बहुत अटेंटिव होके सुन रहा है ना मैं बता रही हूँ उसको बहुत मजा आ जाएगा आज की क्लास अटेंड करके चलो अब अपन आज पूरे ये अलीलिक इंट्रैक्शन पढ़ना है तो ध्यान से सुनो एक एक बार पढ़ाऊंगी एक एक बार में ग्रास्प करो ठीक है चलो अलीलिक इंटरेक्शन क्या होता है अलीलिक इंट्रैक्शन को हम इंट्राजेनिक इंटरेक्शन बोलते हैं अलीलिक इंट्रैक्शन किसके बीच में होता है दो अलील्स के बीच में होता है सेम जीन के दो अलील जैसे जीन क्या है हाइट का तो इसके दो अलील क्या हो गए एक कैपिटल टी हो गया एक स्मॉल टी हो गया इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको अलीलिक या फिर इंट्राजेनिक इंट्राजेनिक मतलब एक ही जीन के अंदर ठीक है और मैंने बोला था कि अलील कहा प्रेजेंट होते हैं दे आर लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम बेटा जिसने भी वन इज टू वन बोला है वो राइट बोला है बाकी सब ने रॉन्ग बोला है ठीक है जिसको ऐसा लगता है कि मुझे वापस से समझना है इसका वीडियो एक और बार देखो है ना मैंने बोला था कि आधे जो होते हैं टेस्ट क्रॉस में टॉल होते हैं आधे ड्वार्फ होते हैं इसका मतलब रेशो क्या होगा वन इस टू वन होगा कोई बात नहीं अब आगे का सुनना शुरू करो ठीक है तो एग्जाम्पल ऑफ अलीलिक इंट्रेक्शन क्या होते हैं चार टाइप के अलीलिक इंट्रैक्शन होते हैं एक होता है ये देखो एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं ठीक है ठीके? क्या पूछते हैं कि मल्टीपल अलीलिज्म जो है ये अलीलिक इंट्रैक्शन है कि नॉन अलीलिक इंट्रेक्शन है तो तुम्हें पता होना चाहिए अलीलिक इंट्रैक्शन के एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को मल्टीपल मल्टीपलिज्म और प्लियोट्रॉपी उसमें से मैंने तुम्हें ऊपर के दो तो बोले भी थे कि ये ऊपर के दो किसके एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है ठीक है चलो अब मैं एक एक करके मेरे बच्चों को समझाना शुरू करती हूँ आज की क्लास में आते सीधे मैंने तुम्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसीलिए पढ़ाया

तो मैंडल ने बोला कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है मतलब क्या होगा कि जो कैपिटल टी के होते हुए स्मॉल टी हमेशा जिंदगी भर दब के रहेगा और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा पर इस चीज का एक एक्सेप्शन आ गया ये एक्सेप्शन किस में आया तो ये एक्सेप्शन आया एक फ्लावर में उस फ्लावर का क्या नाम था उस फ्लावर का नाम था डॉग फ्लावर इसको स्नैप ड्रैगन भी बोलते थे और इसको एंटीरिनियम मेजरस भी बोलते थे तो ये एग्जाम्पल पूछते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में देखा गया तो इट वॉज सीन इन द डॉग फ्लावर इसको और क्या बोलते हैं स्नैप ड्रैगन कलर में देखा गया तो क्या हुआ था इसमें इसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा तो हमने क्या लिया पापा लिए पापा कौन से लिए कैपिटल आर कैपिटल आर लिए रुको पापा को थोड़ा ऊपर रखते नहीं तो नीचे जगह नहीं मिलेगी एक मिनट बच्चों चलो ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे अंडरलाइन करो कि डॉग फ्लावर स्नैप ड्रैगन इंटीरियम स्पीशीज में देखा गया इसमें क्या हुआ कि पापा लिए और मम्मी ली तो जो पापा लिए वो क्या लिए कैपिटल आर कैपिटल आर लिए कैपिटल आर कैपिटल आर लिए मतलब डोमिनेंट है डोमिनेंट है मतलब इनके जो पापा के फ्लावर का कलर है दैट इज रेड फ्लावर कलर मम्मी ली क्या ली स्मॉल आर स्मॉल आर ली स्मॉल आर स्मॉल आर ली मतलब जो मम्मी के फ्लावर का कलर है वो वाइट है ठीक है फिर तुम्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना सिखाया था ठीक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं तो अब क्या हुआ ये पेरेंट थे ये पेरेंट हो गए बेटा इनके गेमीट बनाओ तो कैपिटल आर कैपिटल आर मतलब इसके सारे गेमीट में क्या रहेगा कैपिटल आर रहेगा स्मॉल आर स्मॉल आर मतलब इसके सारे गेमीट में क्या रहेगा स्मॉल आर रहेगा तो ये क्या आ गए बेटा गैमीट आ गए अब एफ वन जनरेशन निकालो f1 जनरेशन निकाली तो इसको और इसको क्या कर दिया क्रॉस कर दिया मम्मी और पापा को तो f1 जनरेशन क्या आई कैपिटल r और स्मॉल r f1 जनरेशन मेंडल के अकॉर्डिंग क्या आती है हेटरोजाइगास आती है यहां भी क्या हुई f1 जनरेशन हेटरोजाइगास आई पर मेंडल के अकॉर्डिंग हेटरोजाइगास में क्या होता है मेंडल के अकॉर्डिंग f1 जनरेशन रिसेम्ब्ल्स वन ऑफ द पेरेंट है ना मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा

मेंडल तो फेल हो गया मेंडल के लिए तो एक्सेप्शन आ गया है ना पापा फेल हो गए यहाँ पे तो जो एफ वन जनरेशन आती है कैपिटल आर स्मॉल आर आती है ये किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं करती इनफैक्ट ये एक नया ही कैरेक्टर शो करती है कि पापा रेड फ्लावर थे मम्मी वाइट फ्लावर थी और ये पिंक फ्लावर बन गया ठीक है तो एफ वन जनरेशन डज नॉट रिजेंबल एनी ऑफ द पेरेंट इंस्टेड ऑफ दैट इट शोज अ न्यू फिनोटाइप दिस इज नोन एज इन कंप्लीट डोमिनेंस यहां कहानी खत्म नहीं होती फिर एफ एफ टू जनरेशन बनाई तो अब एफ एफ टू जनरेशन कैसे बनती है एफ वन जनरेशन में सेल्फिंग करके बनती है तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर इसको क्या करा बेटा इसको क्रॉस कर दिया पुनेट स्क्वायर बना के तो यह आएगा कैपिटल इसको इसको क्रॉस करा तो अपन पुनेट स्क्वायर क्यों बनाते हैं हम पुनेट स्क्वायर इसलिए बनाते हैं ताकि हमें जीनो टाइप के आ रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी पता चल जाए ठीक है तो कैपिटल आर कैपिटल आर आया इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर आया इसमें स्मॉल आर स्मॉल आर आया तो ये एफ टू जनरेशन हो गई जिसमें चार प्लांट ऐसे आ गए ठीक है तो जो ये कैपिटल आर कैपिटल आर आया इसका मतलब ये वाला ऑफ स्प्रिंग के फ्लावर का क्या कलर है इस वाले ऑफस्प्रिंग के फ्लावर का कलर है रेड जो कैपिटल आर स्मॉल आर आया मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर क्या करता है पिंक कलर शो करता है कैपिटल आर स्मॉल आर क्या शो करता है पिंक कलर शो करता है मतलब अगर मैं इन ऑर्गेनिज्म इसको देखूंगी तो इसके फ्लावर रेड कलर के होंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन में फ्लावर पिंक कलर के होंगे और स्मॉल आर स्मॉल आर कैसे होंगे बेटा व्हाइट कलर के होंगे तो मेंडल ने मेंडल ने तो फेल हो गया अब तुम इसका फीनोटाइप रेशो देखो कि तुम इन फ्लावर को जब दूर से देखोगे तो एक आएगा रेड ठीक है एक आएगा रेड एक आएगा क्या दो आएंगे पिंक दिख रहा है क्रॉस में ध्यान से देखो और एक आएगा व्हाइट तो जो इसका फिनोटिपिक रेशो है वो क्या हो गया, हो गया. क्या हो गया बेटा टू वन हो गया अब मैं अब हमने सोचा कि चलो अब इसको जीनोटाइप रेशो देखो तो जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल आर कितने थे एक था कैपिटल आर स्मॉल आर कितने थे दो थे और स्मॉल आर स्मॉल आर कितने थे है ना एक था तो इससे क्या क्या चीजें समझ आई ये क्रॉस सबको समझ आया क्या कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको क्रॉस समझ नहीं आया सभी बच्चे जहाँ पे मैं रेशो लिखवा रही हूँ वहाँ पर एक और रेशो ऐड करो कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है

एफ वन जनरेशन में जो भी प्रेजेंट जो भी आएगी वो क्या करेगा अपने एक पेरेंट को कम्प्लीटली रिजेंबल करेगा पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ कि जो एफ वन जनरेशन आई कैपिटल आर स्मॉल आर वो किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं करती थी इंस्टेड ऑफ इट उसने क्या करा एक नया कैरेक्टर शो करा मतलब ये इनकम्प्लीट क्या हो गया डोमिनेंस हो गया तुमने जो भी बच्चा पेंटिंग करता है उसको पता होगा कि रेड कलर को और वाइट कलर को मिक्स करते हैं तो पिंक कलर बन मिलता है पिंक कलर मिलता है तो मैंडल तो चिल्ला चिल्ला के क्या बोल के गए थे मैंडल बेटा ये बोल के गए थे मैंडल ने क्या बोला था कि देर इज नो ब्लैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स F1 वन जनरेशन विल रिजेंबल ईदर ऑफ द पेरेंट कंप्लीटली पर हमने इन कंप्लीट डोमिनेंस में क्या ऑब्जर्व करा वी ऑब्जर्व दैट देर इज ब्लैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर ट मींस रेड और व्हाइट मिक्स होके पिंक बन गए मिक्सचर ऑफ मम्मी पापा हो गया वेरी गुड दर्शन है ना तो जी सब बच्चों को इनकम्प्लीट डोमिनंस समझ में आया इनकम्प्लीट डोमिनंस के बारे में तीन बातें समझ में आई कि ये क्यों एक्सेप्शन है मैंडल के लिए दूसरी बात इसमें फिनोटिपिक जीनोटिपिक दोनों रेशो वन इज टू टू इज टू वन है तीसरी चीज इसमें ब्लैंडिंग ऑफ कैरेक्टर शो होती है चौथी चीज इसमें इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है और किस में देखा जाता है डॉग फ्लावर या फिर स्नैप ड्रैगन में ठीक है अब एक्सप्लेन करा डोमिनेंस को तो डोमिनेंस एग्जैक्टली exactly क्या होता है है ना कि कुछ अलील डोमिनेंट होते हैं कुछ अलील रेसेसिव होते हैं ऐसा क्यों होता है तो देखो ऐसा होता है कि हर जीन जो रहता है इसके पास इंफॉर्मेशन रहती है किसी पर्टिकुलर ट्रेट की जीन के पास क्या इंफॉर्मेशन रहती है ट्रेट की इंफॉर्मेशन रहती है बेटा ज्यादा साइंटिस्ट के नामों पे ध्यान मत दो जितने साइंटिस्ट एन में दिए वो सफिशियंट है इसके अलावा कुछ तो मतलब इंपॉर्टेंट है तो दैट टाइम गोइंग टू टेल यू है ना डो नॉट वरी ये मेरी गारंटी है कि जो मैंने पढ़ाया इससे बाहर नीट में एक क्वेश्चन नहीं आएगा है ना सारी चीजें इंक्लूड करिए एनसीआरटी के अंदर की एनसीआर के बाहर की चेक कर लेना है ना अच्छे से चलो तो जीन होता है है ना तो वो क्या उसमें क्या होती है इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ट्रेड की जैसे टॉलनेस की जीन है तो उसमें के पास टोलनेस की इंफॉर्मेशन होगी वो टोल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा अब कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म रहता है तो उसमें दो कॉपी रहती है जीन की है ना मैंने बताया ना डिप्लॉयड है तो उसमें दो ये अलील प्रेजेंट रहते हैं ना जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट रहते हैं है ना लेकिन जरूरी नहीं है ये हमेशा आइडेंटिकल हो कभी कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकते हैं तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में रहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हेट्रोजाइग बोलते हैं हाइट्रोजाइगॉट है तो जो कैपिटल टी होगा वो स्मॉल टी को दबा लेगा और कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ठीक है तो ये ही डोमिनेंस होता है तुम्हें बताया था ठीक है ये डोमिनेंस होता है तो ये जो डोमिनेंट है ये क्या करता है तो ये जो डोमिनेंट है ये क्या करेगा जो डोमिनेंट होता है वो जीन एंजाइम प्रोड्यूस करता है और रेसेसिव वाले को एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करने देता ठीक है तो क्या क्या कंडीशन होती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास जीन है मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का मॉलिकुलर लेवल पे एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ठीक है ये मोलिकुलर लेवल पे आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूं कि ऐसा क्यों होता है कि जब हेट्रोजाइगोस्ट कंडीशन है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो कैपिटल टी स्मॉल टी को दबा रहा है कैपिटल टी डोमिनेंट है ऐसा क्यों होता है तो इसके तीन रीजन हो सकते हैं तीन रीजन हो सकते हैं कि क्या होगा कि कैपिटल टी के प्रेजेंस में जो स्मॉल टी है ना वो क्या करे लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करे मतलब ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करे जो एफिशिएंट नहीं है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा इसीलिए कैपिटल टी एक्सप्रेस हो जाता है स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हो पाता दूसरी कंडीशन क्या है कि कैपिटल टी के प्रेजेंट में प्रेजेंस में स्मॉल टी नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करे एंजाइम ही तो क्या कर रहा है ठीक है एंजाइम तो ही, तो ही तो क्या कर रहा है एंजाइम ही तो ट्रेट को शो कर रहा है एंजाइम ही तो क्या कर रहा है ट्रेट को मतलब एक्सप्रेस करवा रहा है अब ये नॉन फंक्शनल कैपिटल टी के प्रेजेंस में स्मॉल टी ने क्या करा नॉन फंक्शनल तो फंक्शन ही नहीं कर रहा एंजाइम तो ट्रेट ही नहीं होगा तो कौन डोमिनेंट हो गया कैपिटल टी हो गया या फिर एक और कंडीशन हो सकती है कि कैपिटल टी के प्रेजेंस में स्मॉल टी नो एंजाइम प्रोड्यूस करे तो ये रीजन है कि कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रेसिव है क्योंकि कैपिटल टी के प्रेजेंस में स्मॉल टी या तो एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता या फिर एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करता इज इज दैट दैट क्लियर क्लियर बेटा Is that clear? अब तुम्हें लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ आया क्या ये तीन पॉसिबिलिटी होती है जिसके वजह से स्मॉल टी क्या होता है बेटा एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ रहे है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या क्या, क्या एग्जाम्पल एक हो गए एक तो क्या एग्जाम्पल हो गया स्नैप ड्रैगन का हो गया डॉग फ्लावर का हो गया है ना एंटीरिनम मेजस इसमें क्या होता है कि रेड और वाइट का इंटरमीडिएट पिंक कलर प्रोड्यूस हो जाता है मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये और किसमें दिखता है दिस इज ऑल्सो सीन इन मिराबलिस जलापा इट इज ऑल्सो सीन इन मिराबेस जलापा विच इज नोन एज फोर ओ क्लॉक प्लांट है ना फिर दूसरा क्या है बेटा फेदर कलर इन फाउल एक्चुअल में ये एग्जाम्पल एनसीआरटी में नहीं दिया है पर जो बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं या अपने ठीक है उसको कमेंट्स क्या बोलते हैं जो अपने कंसेप्ट को बहुत क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए है फैदर कलर इन एंडोलुशियन फाउल इसका मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि ब्लैक होगा एक ठीक है एक पेरेंट होगा ब्लैक ठीक है और एक पेरेंट होगा ब्लू ये डोमिनेंट है ब्लैक है ना और ये जो है ब्लू क्या है रेसेसिव है तो, तो इस सॉरी वाइट रेसेसिव है, सो है ना तो एक्चुअल में क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कहाँ पे दिखने लगता है फाउल मतलब बर्ड बर्ड के किसी किसी बर्ड के फेदर कलर मतलब पंख के कलर में दिखता है जहाँ पे ब्लैक डोमिनेंट है वाइट रेसेसिव है तो और जो बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है एफ वन जनरेशन में उसके फैदर के कलर क्या हो जाते हैं उसके फेदर का कलर क्या हो जाता है ब्लू हो जाता है ठीक है समझ आया क्या मतलब डोमिनेंट है ब्लैक रेसिस है वाइट F1 वन जनरेशन किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं कर रही ना ब्लैक है ना वाइट है तीसरा ही कॉम्बिनेशन बना रही है ब्लू कॉम्बिनेशन बना रही है ब्लू कॉम्बिनेशन बनेगा मतलब इट इज नॉट रिजेंबलिंग एनी ऑफ द पेरेंट और इन दोनों का मिक्सचर मतलब देर इज अ ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक चौथा एग्जाम्पल होता है साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन पी प्लांट तो तुम अगर पी प्लांट में जो पाइसम सटाइवम मेंडल ने पढ़ा था उसी में अगर तुम देखो कि लार्ज साइज फॉर एग्जाम्पल ये लार्ज साइज हो गया कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल साइज हो गया स्टार्च ग्रेन का स्मॉल बी स्मॉल बी इनको जब क्रॉस करा तो एफ वन जनरेशन में जो सी के सीड जो पी के सीड आए वो क्या आते हैं इंटरमीडिएट साइज के आए है ना तो क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये होता है कि एक होगा बेटा complete, जो एक कैरेक्टर है पापा का एक कैरेक्टर है मम्मी का जो ऑफ स्प्रिंग आएगी वो इनके बीच कैरेक्टर की आएगी देर विल बी ब्लाइंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ठीक है ये एक्सप्लेन कर दिया ठीक है अब क्या हुआ मैंने बोला कि ये डोमिनेंट और रेसेसिव का क्या फंडा है डोमिनेंट और रेसेसिव का ये फंडा है कि जो डोमिनेंट होता है वो रेसेसिव को दबा लेता है और दबा लेता है तो तीन केसेस प्रोड्यूस होते हैं एक तो ये होता है कि जो अलील होगा जो रेसेसिव है वो क्या करेगा नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो जब वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो फिनोटाइप अफेक्ट हो जाएगा है ना अगर दूसरा केस होता है कि नो एंजाइम एट ऑल तो फिर एक्सप्रेस ही नहीं होगा या फिर क्या होगा नॉन फंक्शनल तब भी फिनोटाइप नहीं बनेगा ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है अब अगला एक्सेप्शन हम लॉ ऑफ डोमिनेंस का पढ़ेंगे अगला एक्सेप्शन क्या पढ़ेंगे को डोमिनेंस वॉट इज को डोमिनेंस तो को डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना ठीक है क्यों कंफ्यूज नहीं होना ठीक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो एफ जनरेशन आती है वो आधी पापा की तरह दिखती है आधी मम्मी की तरह दिखती है एक न्यू कैरेक्टर आता है ब्लैंड कैरेक्टर आता है को डोमिनेंस में पता है क्या होता है कि ये पापा है ये मम्मी है बच्चे में एफ वन जनरेशन में पापा के भी कैरेक्टर स्टिक एक्सप्रेस होते हैं मम्मी के भी कैरेक्टर स्टिक एक्सप्रेस होते हैं मतलब दोनों ही डोमिनेंट है मतलब एक दूसरे को दबा नहीं पाते दोनों ही साथ में एक्सप्रेस होते हैं दोनों ही साथ में एक्सप्रेस होते हैं मतलब दोनों ही ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो फंक्शनल है इज दैट क्लियर बेटा समझ आया क्या समझ आया क्या बच्चों इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है वहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है है ना कि दोनों ही डोमिनेंट नहीं है कोई तीसरी चीज अब बन रही है यहां दोनों डोमिनेंट है दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाती हूँ इसका एग्ज़ाम्पल होता है ए बी ब्लड ग्रुप है ना को डोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या होता है ए बी ब्लड ग्रुप इसमें क्या होता है मैम इसमें क्या होता है कि तुम्हें पता है देखो ब्लड ग्रुप तो मेरे को तुम्हें ध्यान से समझाने ही है तो अभी समझ लो तो देखो क्या होता है कि जो अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो है ना इस ब्लड ग्रुप के लिए चार टाइप के तीन टाइप के अलील रहते हैं एक अलील रहता है आई ए आई एक रहता है आईबो आई आईओ ए वाला भी डोमिनेंट रहता है ये 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 हम भी प्रेजेंट होगा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कि मैं आईए हूँ और मैं प्रेजेंट हूँ आई बी जहाँ भी प्रेजेंट रहेगा वो भी अपने आप को डोमिनेंट रहेगा और वो अपने आप को बताएगा कि मैं प्रेजेंट हूँ और लेकिन जो आईओ रहता है दिस इज रेसेसिव ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्योंकि आईए भी इसको दबा लेता है

तो एक अगर आई ए आई ए प्रेजेंट है तो आई ए आई ए ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ब्लड ग्रुप क्या होगा ए होगा ठीक है कभी क्या होगा आई ए आई ओ प्रेजेंट रहेगा तो ओ तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ए डोमिनेंट है तो भी ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा ठीक है जब आई बी आई बी प्रेजेंट रहेगा तो बी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा जब आई बी आई ओ प्रेजेंट रहेगा तो बी क्या करेगा ओ को दबा लेगा और अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तब भी ब्लड ग्रुप बी होगा लेकिन जब दोनों आईओ आईओ प्रेजेंट है ना जब दोनों प्रेजेंट है तभी ब्लड ग्रुप ओ होगा क्योंकि अभी ओ को दबाने के लिए कोई भी नहीं है ठीक है तो क्या होगा तो तुम्हें ब्लड ग्रुप के बारे में क्या पता चला ब्लड ग्रुप के तीन अलील होते एक होता है आईए एक होता है आई बी एक होता है आई यू ए और बी डोमिनेंट है है और ओ क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा फिर हमने पढ़ा कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं अपन ने चार टाइप के ब्लड ग्रुप देखे इस दुनिया में एक देखा है ए ब्लड ग्रुप एक देखा है बी ब्लड ग्रुप एक देखा है ए बी ब्लड ग्रुप और एक देखा है ओ ब्लड ग्रुप इसके अलावा अपन ने कुछ भी नहीं देखा है ठीक है तो आई ए ब्लड ग्रुप कब होगा जब कौन से हो आई ए आई ओ हो तो ए अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा तो भी ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा या फिर आई ए आई ए हो तो इन दोनों केसेस में ब्लड ग्रुप क्या होता है ए होता है बी ब्लड ग्रुप कब होता है जब आई बी आई ओ हो मतलब वो तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा या फिर आई बी आई बी प्रेजेंट हो किसी को भी समझ नहीं आया तुरंत पूछ लो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी ठीक है ए बी क्या होता है जब आई ए भी प्रेजेंट हो आई बी भी प्रेजेंट हो तो दोनों की जो बेटा है तक्कड़ है दोनों के बिल्कुल खतरनाक है आई बे भी उतना आई ए भी उतना स्ट्रांग है आई बी भी, भी इतना स्ट्रांग है ए भी बी को नहीं दबा पा रहा बी भी, भी ए को नहीं दबा पा रहा मतलब आई ए भी एक्सप्रेस होगा आई बी भी, भी एक्सप्रेस होगा तो इस केस में ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा तो मैं क्या इस एग्जाम्पल को बोल सकती हूँ कि ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है क्योंकि बोथ द अलीन्स एक्ट एज डोमिनेंट बोथ द अलील्स आर एक्सप्रेसिव ठीक है तो बोथ द अलील्स आर एक्सप्रेस इन द एन जनरेशन ओके मतलब ऐसा नहीं है जो मैंडल ने बोला था कि एफ वन जनरेशन में या तो जो इंडिविजल आया है वो पापा को रिजेंबल करेगा या मम्मी को रिजेंबल करेगा है ना तो ये गलत हो गया यहाँ पे एफ वन जनरेशन में क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप आ रहा है वो मम्मी को भी रिजेंबल ए को भी रिजेंबल कर रहा है बी को भी रिजेंबल कर रहा है तो ए बी किसका एग्जाम्पल हो गया को डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो गया आईओ ब्लड ग्रुप कब होगा जब आईओ आईओ प्रेजेंट होगा तो अगर कोई पूछे कि ब्लड ग्रुप ए बी इज द एग्जाम्पल ऑफ तो ब्लड ग्रुप ए बी किसका एग्जाम्पल है इट इज एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेस समझ आया क्या मेरे बच्चों को अब अगर मैं इसको क्रॉस के थ्रू बताऊं तो जो मम्मी है उनका गैमिटे आई है यहाँ पे लिखती हूँ ताकि दिखे मम्मी है उनका गैमिट आया आई ए पापा हैं उनका गेमिट आया आई बी तो जब इनका क्रॉस हुआ तो ऑफ स्प्रिंग आएगा आई ए आई बी इसका मतलब जो ऑफ स्प्रिंग आया एफ वन जनरेशन में इट डज़ नॉट रिजेंबल एनी सिंगल प्रेजेंट सिंगल पेरेंट इंस्टेड ऑफ दिस जो एफ वन जनरेशन में ऑर्गेनिज्म आता है वो मम्मी का भी कैरेक्टर शो करता है पापा का भी कैरेक्टर शो करता है इसीलिए ब्लड ग्रुप क्या आ गया ए बी आ गया ठीक है इट डज नॉट शो ब्लैंडिंग ऑफ कैरेक्टर तुम ये बताओ इसमें ब्लाइडिंग ऑफ कैरेक्टर हो रहा है क्या इसमें ब्लाइडिंग ऑफ कैरेक्टर नहीं हो रहा पापा का भी एक्सप्रेस हो रहा है मम्मी का भी एक्सप्रेस हो रहा है इंडिविजुअली दिस इज नोन एज को डोमेंस दिस इज नोन एज को डोमिनेंस अब अगर तुम ए ब्लड ग्रुप देखो तो मैं पूरा ब्लड ग्रुप तुम्हें आज ही समझा देती हूँ है ना तो तुमने देख लिया तीन अलील होते हैं ए बी किसका एग्जाम्पल होता है कोडोमिनेस का एग्जाम्पल होता है अब तुम देखने जाओ फिनोटाइप कितने होते हैं तो फिनोटाइप होते हैं चार या तो ब्लड ग्रुप ए होगा या ब्लड ग्रुप होगा बी या ब्लड ग्रुप होगा ए बी या ब्लड ग्रुप होगा ओ तो फिनोटाइप कितने हो गए चार अलील कितने थे तीन जीनोटाइप अगर अब तुम जीन देखने जाओ तो कितने टाइप के कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात है ना सात टाइप के नहीं दिखेंगे छह टाइप के दिखेंगे क्योंकि ए बी ए बी तो एक ही बात हो गया ना तो छह जीनोटाइप कितने दिखेंगे छह दिखेंगे तो कोई तुमसे पूछे कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप में अलील कितने हैं तो तुम बोलना है हैं तीन ठीक है कोई तुमसे पूछे कि फिनोटाइप कितने है? तो चार टाइप का शो हो रहा है फिनोटाइप पे चार पर तुम इनकी जीन की स्टडी करो तो ए ब्लड ग्रुप दो टाइप से एक्सप्रेस हो सकता है ना आई ओ आई ए आई ए आई ए या फिर बी वाला भी दो टाइप से हो सकता है आई बी आई बो आई ओ या फिर आई बी आई बी तो इसका मतलब जीनोटाइप हो गए छ तो तुम जो वो नोट्स बना रहे हो ना जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ रेशो लिखो वहां पर ये भी लिखो कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप की अलील होते हैं है, चार और जीनोटाइप होते हैं समझ आया क्या बच्चों को? तो ये हो गया अपना को डोमिनेंस का अब को डोमिनेंस का एक और एग्जाम्पल होता है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ को डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों अलील एक्सप्रेस होते हैं एफ वन जनरेशन में एंड देर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस इक्वली समझ आया क्या बच्चों को तो को डोमिनेंस एक तो दिखा हमें ए बी ब्लड ग्रुप में दूसरा को डोमिनेंस कहा दिखता है कैटल के कोट कलर में कि जो हमारी गाय है उसकी जो कोट है ना उसकी बॉडी कोट उसका कलर क्या है तो इसमें क्या होता है कि जो डोमिनेंट पेरेंट रहता है इस क्रॉस को समझो बेटा एक बार में क्रॉस को समझो अच्छे बच्चे हो ना देखो तुमने देखा कि जो कोट कलर है ये क्या होता है अगर हम तुम पापा को देखो तो जो पापा हैं गाय के उनका क्या कोट कलर है ब्लैक ठीक है और जो मम्मी है उनका कोट कलर क्या है वाइट तो ये अपने पेरेंट हो गए ठीक है तो अगर पापा आर वन आर वन है एग्जाम्पल दे रही हूँ मम्मी आर टू आर टू है ठीक है तो इसका गेवन आ, इनका गेमीट आएगा आर वन इससे गेमिट आएगा आर टू मतलब एफ वन जनरेशन क्या हो जाएगी आर वन आर टू एफ वन जनरेशन में आर वन भी है एफ वन जनरेशन में आर टू भी है तो आर वन भी रहेगा मतलब आएगी वो ब्लैक एंड वाइट आएगी कि वाइट कलर की काउ है ब्लैक पैचेस है तो ऐसे ब्लैक और वाइट को क्या कलर बोलते हैं रोन कलर बोलते हैं ब्लैक और व्हाइट को क्या बोलते हैं बेटा रोन कलर बोलते हैं तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया को डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो गया है ना तो जो कैटल का कोट कलर है उसमें भी एफ वन जनरेशन में दोनों पेरेंट्स क्या होते हैं एक्सप्रेस होते हैं देर इज नो ब्लैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर बोथ द कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस इक्वली है no equally, ना चित के बोल सकते हैं सही बात है तो ये कोडोमिन हो गया तो तुम अगर देखो अगर इसका जीनोटाइपिक रेशो क्या आएगा जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक सेम आएगा ठीक है याद रखना तो अब एक स्पेशल नोट है यहाँ पेट डोम को जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा यहाँ पे फिनो टाइप तुम देखोगे तो कैरेक्टर ब्लैंड हो जाएंगे कि वाइट और रेड मिलके पिंक हो गए पर को डोमिनेंस में देर इज नो ब्लैंडिंग ऑफ कैरेक्टर पापा का कैरेक्टर एंड मम्मी का कैरेक्टर बोथ आर एक्सप्रेस्ड इक्वली ठीक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस दोनों ही एग्जाम्पल है बेटा किसका दोनों ही एग्जाम्पल exam, है एक्सेप्शन ऑफ मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस ठीक है तो ये भी तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कि आईए आई बी भी, भी किसका एग्जाम्पल है कोडोमिनस का तीसरा एग्जाम्पल कोडोमिनस का है सिकल सेल अनिमिया सिकल सेल अनिमिया ठीक है ये जब मैं तुम्हें सिकल सेल अनिमिया बताऊँगी तब तुम्हें एक्सप्रेस कर बता दूंगी ठीक है तो जो कैरियर होता है ठीक है उसका जो कैरियर है सिकल सेल अनिमिया का वो भी एग्जाम्पल है को डोमिनस का ये मैं तुम्हें समझाऊंगी डोंट वरी ठीक है अब मल्टीपल एलेिज़म के लिए अभी अपने पास टाइम नहीं है कल की क्लास जैश से ही शुरू होती है मल्टीपल एलिज्म समझाया जाएगा प्लियोट्रॉपी समझाई जाएगी डाई हाइब्रिड क्रॉस समझाया जाएगा ठीक है तो कल की क्लास में क्या क्या समझाएंगे बता दिया आपको ठीक है जो भी बच्चे को क्लास बहुत अच्छी लगी हो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुए वीडियो को लाइक कर देना ठीक है और कल की क्लास फिर शाम को सात बजे होगी तो टाइम पे आ जाना और रात को अपनी क्लास जो होने वाली है अनअकेडमी ऐप पर वो साढ़े दस बजे होगी जो भी बच्चा अन अकेडमी ऐप पर नहीं है ऐप डाउनलोड कर लो और मेरा कोड यूज कर लो इससे आप फ्री में बहुत सारे कोर्सेस देख पाओगे जैसे आज रात की क्लास फ्री वाली है आप इसको देख पाओगे ठीक है तो कल शाम को सात बजे फिर क्लास होगी जिसमें हम मल्टीपल एलिज्म पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपी पढ़ेंगे डाईहाइब्रिड पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट पढ़ेंगे और नॉन अलिलिक इंट्रैक्शन पढ़ेंगे जो क्या है कंप्लीट अपना जो वो होगा ना कॉम्प्लीमेंट्री जीन हो गया और एपस्ट्रेसिस हो गया कल की क्लास में हम ये सब पढ़ने वाले हैं ठीक है चलो बच्चों रात को टेन थर्टी मिलते हैं डिनर करके आना ठीक है और इसको रिवाइज करके आना कल मैं क्वेश्चंस पूछूंगी कल शाम को सात बजे मिलते हैं कल अपना मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा अगली क्लास में क्या कवर होगा लिंकेज रिकॉम्बिनेशन और ड्रोसोफिला और फिर उसके बाद क्रोमोजोमल एब्रेशन ठीक है चलो बच्चों बाय बाय टेक केयर रात को